कटिहार में दिन दहाड़े एक अपराधी को गोली मार दी गई। नगर थाना क्षेत्र के रामपारा चौक पर आपसी विवाद में अपराधी सलीम डॉन को गोली मार दी गई। पुलिस का कहना है कि उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है, उसके साथियों ने ही आपसी विवाद में उसे गोली मारी है। सलीम डॉन के बयान पर दो लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सलीम रामपारा चौक पर खड़ा था, इसी दौरान उसके दो साथी आए और उसे गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मार दिया है सामने यहीं पर। अरे चंदन हार रहा है, वो मेरा सुनो। सलीम डॉन इसको मारा है ना, टीम का नाम बोलना, टीम का नाम मारा, वो मेरा सुनो मारा, टीम का सुनो मारा। हाँ जैसा हम तो अपने काम से जा रहे थे, कहीं कोई रास्ते में मिला तो वो बताया कि मेरे साले को गोली लगी है। वो सुनने के बाद ही मैं अपने ससुराल में गया, वहाँ पूछा तो किसी को जानकारी नहीं थी। फिर मैंने अपने साले को डायरेक्ट ही फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि हाँ गोली लगी है, मेडिकल कॉलेज जाओ। उसके बाद मैं सीधा यहाँ आया। पर एक समय सलीम डॉन थे जो पूर्व के डकैती रंगदारी वगैरह कांड में आरोपित रहे हैं, अभी वांछित नहीं थे, तो उनको गोली मार दिया गया है। इस संबंध में हॉस्पिटल में वो हैं, इलाजरत हैं। उनके द्वारा बयान दिया गया जिसमें दो नामजद किया गया है। हम लोग शीघ्र ही उसकी गिरफ्तार करें।